अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल मॉम्स लाइफ यूई। आज मैं आप लोगों को एक और प्रोडक्ट लेकर आई हूँ बॉडी शॉप की ही, और उसका मैं रिव्यू देने लगी हूँ। आज हम बात करेंगे बॉडी शॉप की प्रोडक्ट है ये ड्रॉप ऑफ लाइट ब्राइटनिंग डे क्रीम। जैसा कि नाम से जाहिर है कि ये ब्राइटनिंग क्रीम है, डे क्रीम है, और इसके बारे में आज मैं आप लोगों को बताऊंगी। आज पूरा 1 मंथ मुझे इसको यूज़ करते हुए हो गया है, तो मैंने सोचा कि ये परफेक्ट टाइम है कि मैं आप लोगों को इसका रिव्यू अब दे सकती हूँ, ऑनेस्ट रिव्यू। तो चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये ब्राइटनिंग क्रीम है, नॉट फेयरनेस क्रीम। दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। फेयरनेस क्रीम में बहुत ज़्यादा केमिकल्स और इस तरह की चीज़ें यूज़ होती हैं, जो कि मैं बिल्कुल इसके हक़ में नहीं हूँ कि फेयरनेस क्रीम जो है वो यूज़ की जाए। तो ये सिर्फ ब्राइटनिंग क्रीम है, और ये डिज़ाइन की गई है स्पेशली डार्क स्पॉट्स को लेकर, और हमारी झाइयाँ पिगमेंटेशन को लेकर, और हमारी अनइवन टोन को लेकर। अनइवन टोन को यानी जो हमारी स्किन जो है वो बिल्कुल कहीं से ब्लैक और कहीं से वाइट हो रही होती है, उसके लिए ये क्रीम जो है वो बनाई गई है। सबसे पहले हम इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। इसका जो बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं वैसे तो इसमें, लेकिन इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है रेड एल्गी। रेड एल्गी के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, वाइट यानी कि रेड एल्गी इसमें यूज़ हुआ है। विद ब्राइटनिंग रेड एल्गी फ्रॉम द नॉर्थ एटलांटिक एंड वाइटामिन सी। तो 50 ml की ये बॉटल है, और ये बनाई गई है प्योर हेल्दी ब्राइटनिंग डे क्रीम फॉर ट्रांसलुकेंट हेल्दी लुकिंग स्किन। फॉर दिस कोल्ड क्लियर वाटर वी सोर्स दिस ब्राइटनिंग रेड एल्गी एक्सट्रैक्ट एंड इन्फ्यूज्ड इट इनटू आवर प्योर हेल्दी ब्राइटनिंग डे क्रीम विद डेली यूज़। अच्छा, ये मतलब इसका नाम तो मतलब डे क्रीम है, लेकिन आप इसको नाइट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और डेली यूज़ के लिए बनाई गई है, और क्लिनिकली टेस्टेड है, और डार्क स्पॉट्स और हाइड्रेटिंग, वेरी हाइड्रेटिंग, 24 आवर्स हाइड्रेटिंग क्रीम है ये। और इसके अलावा क्या क्या है वो भी आगे चलकर हम आपको बताते रहेंगे। अनइवन हेल्दी लुकिंग ब्राइटनिंग स्किन एंड आफ्टर डे अप्लाई पी साइज अमाउंट इन टू फिंगर प्रिंट एंड मसाज जेंटली इन टू फेस एंड नेक एवरी डे आफ्टर सीरम। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इस क्रीम की कंसिस्टेंसी और बाकी चीज़ें कि किस तरह की है। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी पैकेजिंग की। तो बेसिकली ये एक टब पैकेजिंग है इसकी, वेरी ब्यूटीफुल एलिगेंट वाइट कलर की इसकी ग्लास बॉटल है ये। कंसिस्टेंसी की बात करें अगर तो ये देखिए, मुझे 1 मंथ हुआ है इसको यूज़ करते हुए, और हम बात करेंगे ये वाइट कलर में है ये सबसे पहले तो। और इसका जो टेक्सचर है या इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो बहुत ही लाइट वेट है, बहुत ज़्यादा लाइट वेट ये देखिए। और इसका जो टेक्सचर है बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है, सबसे अच्छी चीज़ तो ये है, बहुत ज़्यादा लाइट वेट है ये, और बहुत ही ईजिली हमारी स्किन में जो है वो एब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक है, ये देखिए, और फौरन हमारे स्किन को जो है वो प्लम्प कर देती है, बहुत ज़्यादा स्किन को जो है वो सॉफ्ट कर देती है, और हाइड्रेटिंग क्रीम है तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा ये स्किन हमारा हाइड्रेटिंग है, तो आप जब इसको लगाएंगे तो आप बहुत ज़्यादा स्किन आप फ्रेश फील करते हैं, और लगता है कि जैसे आपकी स्किन में एक जान सी आ गई है। और बिल्कुल मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि 1 मंथ मैंने, और इंस्टेंट इसका रिज़ल्ट बहुत इंस्टेंट है, क्योंकि मैंने इसको जब इस्तेमाल करना शुरू किया तो यकीन करें कि 1 वीक में ही मुझे बहुत ज़्यादा अपनी स्किन में जो है वो चेंज फील हुआ, बहुत अच्छा हेल्दी लुकिंग मेरी स्किन जो है वो मुझे फील हुई। अच्छा, ये बनाई गई है जैसा कि मैंने आपको बताया कि डार्क स्पॉट्स और हमारी पिगमेंटेशन को भी ये रिमूव करेगी। तो जैसे कि इसके डार्क स्पॉट्स वगैरह को भी ये इसको रिमूव कर रही है। इसके अलावा ये हमारे स्किन के टेक्सचर को बहुत ज़्यादा अच्छा कर देती है। यकीन करें, मैंने अपनी स्किन पे जब इसको यूज़ करना शुरू किया, बहुत ज़्यादा बेजान सी और डल सी स्किन मेरी हो रही थी, और जब मैंने इसको इस्तेमाल करना शुरू किया विद इन अ वीक मुझे बहुत ज़्यादा हेल्दी अपनी स्किन लगी, फील हुई, और मतलब बिल्कुल ऐसा लगा कि जैसे स्किन में एक जान सी आ गई है। और इसके सबसे अच्छी चीज़ ये है कि हमारी स्किन को टाइट भी कर रही है,
और स्किन टाइटनिंग के लिए बहुत ज़बरदस्त थे, और अनइवन टोन हमारी जो है उसको जो है वो एक टोन में लेकर आ रही है। मेरी बहुत ज़्यादा स्किन रफ हो रही थी, और ड्राई स्किन वालों के लिए सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा बेस्ट है ये, और ऑयली स्किन वाले भी इसको इजीली बगैर डरे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है वो बहुत ज़्यादा स्किन को एब्जॉर्ब, बिल्कुल एब्जॉर्ब होने के बाद इसको पता ही लगता है कि इसको कुछ हमने लगाया है। अच्छा, इसका यूज़ जो है वो क्या है कि हम इसको किस तरह से यूज़ करेंगे। इसका एक सीरम भी है, ड्रॉप ऑफ लाइट सीरम, अगर आप चाहें तो वो सीरम भी ले सकते हैं, लेकिन हमें किस तरह से इसको यूज़ करना है वो मैं आपको बताती चलूँ कि हमें पहले तो अच्छे से स्किन अपने क्लिनज़र से जो है वो अपनी स्किन को वॉश कर लेना है, ड्राई कर लेना है। उसके बाद हमें लगाना है कोई भी टोनर, जो भी आप यूज़ करते हैं वो ले लीजिए। टोनर के बाद आपको सीरम यूज़ करना है, जो भी सीरम आप लगाते हैं, और इसका अपना ड्रॉप ऑफ लाइट का भी सीरम आता है एक, और वो सीरम का भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों को रिव्यू दूँगी। और वो सीरम लगाने के बाद फिर आप इस क्रीम को यूज़ करें। अच्छा, वैसे तो इसका नाम डे क्रीम है, लेकिन आप इसको नाइट में भी यूज़ कर सकते हैं, और इसका बेस्ट रिजल्ट अगर आप चाहते हैं तो आप इसको नाइट में यूज़ करें, मतलब बोथ, इवन डे एंड नाइट। मैंने भी दो टाइम इसको यूज़ किया है, डे में भी इसको मैंने यूज़ किया है और नाइट में भी मैंने इसको यूज़ किया है, और इसका ज़बरदस्त मुझे इसका रिज़ल्ट सामने आया है। और मतलब पैसे बिल्कुल इसमें जो है वो ज़ाया नहीं हुए हैं, क्योंकि मुझे लगता है, अच्छा इसमें इन्होंने वैसे ही इन्होंने 4 वीक्स के बाद कहा है कि रिज़ल्ट सामने आएगा इंशाल्लाह, तो मैंने भी आपको ठीक 1 मंथ बाद ही आपको इसका रिव्यू दे रही हूँ। अच्छा, अगर हम इसकी प्राइस मनी की बात करें तो प्राइस इसकी पाकिस्तान में जो है 2050 इसकी तकरीबन प्राइस हैं, और UAE के प्राइस मैं आप लोगों को जो है वो मेंशन कर दूंगी। यहाँ पे इसकी प्राइस तकरीबन 100 समथिंग है, और इसका जो बेस्ट आप अगर पैकेज, मतलब इसका एक क्या कहना चाहिए, एक पूरा आप इसका पैकेज या एक वो लेना चाहते हैं ड्रॉप ऑफ लाइट का, तो इसका एक फेस वॉश भी है, इनका सीरम भी है, और इनकी डे क्रीम भी है। अगर तीनों को आप ले लें तो बहुत ही ज़बरदस्त है, लेकिन अगर ना लें तब भी एक सिर्फ यही लेना चाहें तब भी ये बेस्ट है। मज़ीद इसकी डिटेल में अगर हम जाते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ, मैं आपको बताती चलूँ कि इसमें जो है वो जो इसके की इंग्रेडिएंट्स हैं उनके क्या बेनिफिट्स हैं। जैसे कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है इसमें, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो हमारे पीएच लेवल को जो है वो बैलेंस करता है, कंट्रोल करता है पीएच लेवल को, और क्लिनजिंग एजेंट है, ठीक है। और इसके अलावा हमारे जो इसमें मौजूद है सोडियम सिट्रेट है इसमें, जो कि हमारे स्किन को जो है वो टाइट करता है, हमारे पोर्स को मिनिमाइज़ करता है, और सगिंग जो हमारी स्किन होती है जैसे लूज़ होने लगती है स्किन एज के साथ साथ, हमारी स्किन जो है वो थोड़ी लूज़ होती है, या फिर हम पिंपल्स वगैरह जिनके आ जाते हैं उनकी स्किन भी थोड़ी जो है वो पिंपल्स की वजह से इलास्टिसिटी जो है वो उसकी कम हो जाती है और लूज़ लूज़ सी फील होती है स्किन, सगिंग जिसे कहते हैं, कि उसको भी ये क्योंकि इसमें है सोडियम सिट्रेट है तो वो हमारी स्किन को टाइट करता है, सगिंग और जो पोर्स को मिनिमाइज़ करता है, और इसके अलावा प्लम्प करता है, डैमेज स्किन के लिए भी बहुत ज़बरदस्त है, सन डैमेज जो स्किन हो जाती है उसके लिए भी बहुत ज़बरदस्त है। टाइटेनियम डाइऑक्साइड है इसमें, जो कि हमारे सनस्क्रीन इंग्रेडिएंट्स में जो है वो प्रोडक्ट में यूज़ होता है। ये क्या करेगा, हमारे स्किन को जो है वो डैमेज और स्किन को जो है वो ठीक करेगा, रेडनेस वगैरह जो हो जाती है, रेडनेस या प्रोन स्किन जो होती है, एक्नी प्रोन स्किन हो जाती है एक्नी के बाद, तो उसको बेहतर बनाएगा। इसके अलावा और भी कुछ और बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स में यूज़ हैं, लेकिन रेड एल्गी जैसे मैंने आपको बताया कि वो ब्राइटनिंग पर्पज़ के लिए, विटामिन सी के लिए बेस्ट है, विटामिन सी का एक सोर्स ऑफ विटामिन सी है रेड एल्गी, तो जो कि स्पेशली इसमें यूज़ हुआ है। अच्छा जी, है इसकी कॉस्ट, मतलब ज़ाया नहीं होंगे आपके पैसे बिल्कुल भी, अगर आप एक अच्छी क्रीम लेना चाह रहे हैं और इंस्टेंट रिज़ल्ट आप चाहते हैं कि आपका हो जाए, तो आप इस क्रीम पे ज़रूर आप इसको देखें और इसको यूज़ करके आपको यकीनन जो है वो मायूसी नहीं होगी बिल्कुल भी। और ये देखिए 1 मंथ मैंने इसको यूज़ करने के बाद आपको आज इसका रिव्यू मैंने आपको दिया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का मेरा रिव्यू पसंद आया होगा। कोई सवाल हो इससे रिलेटेड, कुछ पूछना हो तो ज़रूर आप कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को एक और बड़ी शॉप का एक मास्क लेकर आऊँगी, उसका रिव्यू मैं आपको दूँगी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर।